देखिए भाई, एक बार स्क्वायर रूट से कुछ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आपके पास जैसे देखिए, मान लो हमने बोला 25 की पावर 1/2। ठीक है, 25 की पावर 1/2 का मतलब पता होना चाहिए क्या होता। 25 की पावर 1/2 का मतलब देखिए, अगर मैं 25 को लिखूं, 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, और मैं इस सारे की पावर क्या कर दिया, 1/2 था, तो 5 की पावर 2, जब पावर की पावर होती है क्या होती है, गुणा में, तो कट के कितना आ गया, 5 की पावर 1 बराबर में कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, 25 की पावर 1/2 हमारे पास इक्वल टू होता है √25 के। क्लियर है, 25 की पावर 1/2 है तो हम √ लिख देंगे 25। अगर हमारे पास 125 की पावर 1/3 है तो हम उसको लिख देंगे बराबर में 125 का क्यूब रूट, घनमूल। अगर 2 होगी तो वर्गमूल बनेगा, और 3 होगी तो क्या बनेगा, घनमूल बनेगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए, 125 को मैं लिखना चाहूं तो 5 × 25 लिख दिया मैंने पहले, फिर 5 × 5 × 5 लिख दिया, फिर देखिए 5 की पावर कितना लिख दिया, 3, यहां 3 था सारी जगह। ठीक है, और यहां पर भी मेरे पास कितनी वैल्यू है, 3। तो अगर हम बात करें इस अंडर रूट को उठाने की, तो 5 की पावर 3 मेरे पास मेन संख्या है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अगर मैं इस सारे को उठाना चाहता हूं तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, वो कहां जाती है, बटा में। तो वापिस वही आ गया, 5 की पावर 1 बराबर में 5 आंसर। क्लियर है, तो हमारे पास जब पावर 1/3 आएगी तो घनमूल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगी, तो यहां पे कितनी बार आ जाएगी, 4। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 625 की पावर 1/4, अब इसको आंसर कितना आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा। कैसे आएगा, क्लियर है। अब हमने क्या लिखा, 625 होता है 5 की पावर 4, और जब मैं ये करूंगा 1/4 को, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4। तो 5 की पावर 4 और ये जो था इसके साथ आ जाएगा बटा में, तो 5 आंसर आ गया। क्लियर है, करिए नोट डाउन। अगर मेरे पास 25 की पावर -1/2 आता है, तब हम क्या लिखेंगे इसको, देखिए जब पावर माइनस में हो तो हम इसको 1/2 में लिख देते हैं, इस पूरी संख्या को। तो 25 की पावर लिख देंगे 1/2, 25 की पावर 1/2 हमें पता है कितना होता है, 5 होता है। थोड़ा सा बेसिक और देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमारे पास जैसे 5 की पावर 2 है, गुणा में 5 की पावर 3 है, तो आपके पास ऑप्शन आता है पेपर में, ए ऑप्शन जैसे 5 की पावर 1, बी ऑप्शन है 5 की पावर 6, सी ऑप्शन है 5 की पावर 5, और डी ऑप्शन है 5 की पावर 5। आपके पास आंसर आएगा ये कब, ऐसा क्यों आएगा, देखिए 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, नीचे बेस जो है सेम है, इसको सिंपल लिख के दिखा देता हूं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 × 5, और 5 की पावर 3, यहां पे देखो बीच में गुणा है, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 कितनी बार गुणा, 3 बार। अब ये टोटल गिन लो कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। आया समझ में कि ये 5 की पावर 5 क्या होता है। जब भी हमारे पास बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो पावर जब यहां पे हम गुणा करते हैं ना, तो पावर सीधा जुड़ जाती है। यहाँ पे 2 + 3 बराबर में आ जाएगा 5 की पावर 5। करिए नोट, मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 2 की पावर 3 सारे की पावर 4, तो आंसर बताइए कितना आएगा। जब पावर की पावर होती है ना, तो ये गुणा हो जाती है, 2 की पावर 3 × 4, जब इसकी पावर और पावर आ जाएगी और गुणा हो जाएगी, तो आंसर आ गया 2 की पावर 12। मान लीजिए मेरे पास ये आ गया 2 की पावर 2
फिर सारे की पावर तीन, फिर सारे की पावर चार, तो आंसर नीचे बेस तो यही रहेगा हमेशा, दो लिख दिया, अब ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 चौक 24। हमारे पास x की पावर a बराबर में y की पावर b, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है और ये पावर हटानी है a, हम क्या करते हैं देखिए, इसको मेरे को हटाना है तो मतलब उधर लेके जाना है, तो मतलब क्या हुआ, y की पावर b लिखा हुआ था, जब पावर ये ऊपर है इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो कहां जाएगी, बटे में, तो आपके पास x बराबर में y की पावर b बटा में a लिख सकते हो आप, ये आंसर आ गया, क्लियर है। जैसे आज हमने किया भी था, आपको ध्यान हो, यहाँ पे हमारे पास था 11/10 की पावर 2 था, और यहाँ पे हमारे पास 11/10 की पावर यहाँ पे क्या था, टी, हमने मतलब बेस सिमरण लिया। अब ये जो संख्याएं हैं अगर मैं लेटर जाना चाहूं तो यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, एक ही बात है, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, ये वही चीज है, तभी हमने इसको आपस में इक्वेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर पे, देखिए फर्स्ट टाइप आपके पास कौन सी आती है, आपके पास संख्याएं आती हैं ऐसे √5 √5 √5, जब हमारे पास ज्यादा आ जाती है और संख्याएं सेम हो, और यहां पर हमारे पास चलता जाए ऐसे इंफिनिटी, आपको बोले अगर मैं इसको सारे को सोल्व करूं अनंत तक तो मुझे बताइए आंसर कितना आएगा, ठीक है, आपके पास ऑप्शन आता है जैसे 25, बी ऑप्शन देखिए √5, सी ऑप्शन आता है 5, और डी ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं, या फिर आपके पास आता है इन्फिनिटी, बी अनंत तक चलेगा, ये इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, इस टाइप से आता है आपके पास। तो जब भी हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आए बीच में ना प्लस हो माइनस हो, तो आपके पास इसी का आंसर लगाना, ये आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर हो गया सी, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी आपके पास अगर ये इंफिनिटी तक जा रही है तो हम आंसर किसको बोलेंगे, जो हमारे पास संख्या होगी, क्लियर है, करिए नोट, पेपर में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जो भी किया था हमने वो बेसिक था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, अभी पीछे इंस्पेक्टर लेवल का कोई पेपर होता है उसमें 4 क्वेश्चन आए थे एज इट इज सेम इसी पैटर्न पे। अगर यहां पर बच्चों अंदर 0.5 आ जाए ना, यहां पर 0.5 0.5 0.5, तो आपके पास यहां पर 0.5 वाला ही आंसर आएगा, मींस इसके साथ जो अंदर चेंज हो रहा है वही रहेगा आंसर। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर देते हैं, हमने लिया यहां पे √5 √5 √5, और मान लो मैंने 3 ही बार लिख दिया, इस बार मैंने मतलब इन्फिनिटी तक उसको नहीं लिखा, इस बार मैंने 3 बार इसको ले लिया, तो अब इसका आंसर देखिए क्या रहेगा, आपके पास जो संख्या है ना उसका एज इट इज लिख दीजिए, लिख दिया, अब आंसर देखिए कैसे बनेगा, हमें क्या करना है 2 की पावर n-1/2 की पावर n लिखना है, ये सारा जो है ना वो इसकी पावर में आएगा, ठीक है, अब मैं इसको अलग से एक बार सोल्व कर लेता हूं, n का मतलब देखो इसको गिनना पड़ेगा, एक दो और ये तीन, तो n हमारे पास कितना आ गया 3, तो 2 की पावर हमने रखा 3 माइनस का 1 बटा में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बच्चों में पता कितना होता है 8, -1/8, तो यहां पर आ गया हमारे पास आंसर 7/8, जो हम इसको सोल्व करके आएंगे ना वो सारा इसकी पावर में लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 की पावर 7/8, करिए नोट डाउन। एक एग्जांपल और लिखिए, जैसे हमने लिखा √7 √7 √7 √7, बताइए आंसर कितना आएगा, हमें बस 2 की पावर ही तो पता होनी चाहिए, 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, 5 से ज्यादा पेपर में वैसे भी नहीं देता, तो हमारे पास 7 की पावर देखिए कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 करोगे कितना होता है बच्चों 16, 16 में से एक गया 15, नीचे आ जाएगा 16, तो मेरे पास आंसर आ गया 7 की पावर 15/16, इस बार ये कितनी बार था 1 2 3 और 4, तो मेरे पास आया 2 की पावर 4 - 1/2 में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में से एक गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आया 15/16, तो 7 की पावर 15/16 लिख दिया, हो जाएगा इस टाइप से।
अब ये तो था इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी ना आए, ठीक है। अब देखिए क्या आंसर होता है, प्लस वाला जब भी आपके पास आएगा तो आपको कौन सी संख्याएं देता है ये देखिए, जैसे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस चलता जा रहा है आगे। अब जब भी आपके पास ऐसी संख्याएं आएंगी ना तो वो टुकड़े वाली संख्या देगा आपको हमेशा, जिसके टुकड़े हो सकते हैं उनके बीच का अंतर कितना होगा, एक। तो हमने इसके टुकड़े किए 6 के 3 गुना में 2 कर दिए। अब जब हमारे पास बच्चों यहां पे प्लस होगा ना तो हमारे पास आंसर हमेशा कौन सी होगी, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या जो होगी वही आपका क्या होगा आंसर, जब क्या होगा यहां पे क्या होगा प्लस। क्लियर है। अगर यहां पर हमारे पास आंसर में माइनस, यहां पे माइनस आता है संख्या में, 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस, और ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो हमने क्या किया, इसके टुकड़े किए 3 गुना में कर दिए, इस बार क्या है माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, या माइनस है ना तो आंसर क्या आ जाएगा छोटी संख्या। माइनस होगा तो आंसर छोटी संख्या, और प्लस होगा तो आंसर बड़ी संख्या। क्लियर है। मान लो आपके पास 12 आ गया, करने का तो इसको 2 गुना 6 भी कर सकते हो, आपको टुकड़े कौन से करने हैं, 4 गुना 3 वाले, जिसके बीच का अंतर 1 है, संख्या वो खुद ही वही देगा आपको पेपर में। जो क्वेश्चन बनता होगा तभी देगा ना वो, समझ रहे हो, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। हाँ बस यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपने गुणा किया है 4 गुणा में 3, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का, ठीक है। तो अगर हमसे प्लस दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आंसर। अब जैसे मेरे को 42 दे दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, आपने ये तो देखा नहीं माइनस है कि प्लस है, बस आ गया, हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये प्लस आ गया एक बार माइनस आ गया, 2017 में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए कौन सा आया था, उसमें प्लस और माइनस मिक्स कर दिया था, उससे पहले कभी नहीं आता था ये क्वेश्चन। देखिए हमारे पास आया √7 √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस। अब एक तो इसके टुकड़े नहीं होते थे और दूसरा इसके अंदर क्या दे दिया, प्लस माइनस दे दिया। तो जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब हमारे पास क्या हो, स्टार्टिंग हो रही हो प्लस से तो अलग फॉर्मूला है, माइनस हो रही हो तो अलग है। उसके लिए देखिए आपको क्या करना, नोट कीजिए, 4x माइनस का 3 अंडर रूट। अगर यहां पे देखिए प्लस है, एक बार बोर्ड पे देखना थोड़ा सा, अगर यहां पे मेरे पास प्लस दिया हुआ है स्टार्टिंग में, शुरुआत प्लस से हो रही है तो यहां पे आप लिखोगे +1। और अगर मेरे पास स्टेटमेंट ऐसे आ जाती है यहाँ पे √7 माइनस √7 प्लस, पहले माइनस आ जाए बाद में क्या आ जाए प्लस आ जाए, क्लियर है। तब हम यहाँ पे फॉर्मूले में क्या कर देंगे, 4x माइनस का 3 √-1/2, बस ये डिफरेंस है, यहां पर एक में प्लस वन है एक में माइनस वन है, बस ये ध्यान रखना, अंडर रूट करके सोल्व आउट उसके बाद प्लस वन करना है, वरना तो फिर ये अगर इसके ऊपर ही होता तो फिर -3 लिखता ही ना, क्लियर है। अब इसको सोल्व कीजिए और उसको सोल्व कीजिए, आंसर निकालिए। हाँ, 4x माइनस 3 प्लस में 1/2, एक्स क्या है यहां पर, नंबर है, नंबर बराबर में 7, जो नंबर हमें यहां दिया होगा। तो हमारे पास देखिए 4x, x की वैल्यू कितनी है 7, 4 7 28, 28 में से 3 गया 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 1 6, 6/2 3। आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो, मतलब आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझ चुके हो तो, मैं करके दिखा देता हूं बाकी पूरा। ये देखो थोड़ा सा, 4 यहाँ पे 7 रख दिया, -3 प्लस का 1/2, यही था। अब 4 7 28, 28 में से 3 गया 25, तो आपने लिखा यहाँ पे √25 प्लस 1/2, इसको सोल्व करोगे √25 माइनस 1/2, बस ये डिफरेंस है। अब यहां से इसको सोल्व करोगे √25 का, करोगे 5 5 प्लस 1 6 6/2 कितना आ गया 3, यहां पे करोगे 5 5 में से 1 गया 4 4/2 2 आ गया, करिए नोट डाउन। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन देता हूं, आपको खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि अब मैंने 4-5 टाइप कराई है ना, वरना वो मिक्स ना हो जाए, एक बार ट्राई करिए फिर आप मैं उसको सोल्व आउट करते हैं।
लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जो आपको खुद से करना है अभी। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए जब मेरे पास यहां पे इन्फिनिटी आता है तो मेरे पास आंसर कितना रहता है? क्लियर है? जब मेरे पास यहां पर इन्फिनिटी ना हो तो गिनेंगे इसको कितना आया, एक दो तीन चार पांच, तो 11 की पावर 31 बटा में 32 कर लोगे। बात करें इसकी तो मेरे पास यहां पे दिया हुआ प्लस, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? जब मेरे पास यहां पे दिया होगा माइनस, तो आंसर कितना आएगा? जब मेरे पास दिया होगा यहां पे प्लस माइनस, तो फॉर्मूला लगाएंगे, पहले क्या है यहां पे प्लस, तो फॉर्मूला आएगा प्लस वाला। तो यहां पे हमने लिखा 4 × 5 माइनस का 3, फॉर्मूले में आपके पास क्या आएगा, +1/ में, तो 4 × 5 = 20 में से 3 गया 17, तो √17 + 1/2। देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो हमने पास बेस ये था, इसको तो लिख ही दिया एज इट इज। अब देखिए यहां पर 2 की पावर n - 1/2 की पावर n होता था यहां पे, ठीक है। 2 की पावर हमने कितना लिखना है, 5, 2 की पावर 5 माइनस 1/2 में 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 32, 32 में से 1 गया 31, तो 32 - 1/2 में 32, ये आ जाएगा 31/32, तो हमने यहां लिख दिया 31/32। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखिए अलग अलग आते हैं। जब हमारे पास 4 + 44 + 10,000, देखिए जब भी अलग अलग आ जाए ना तो सबसे पहले लास्ट वाले को सोल्व करते हैं, इसको एक बार समझ लेना, उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। देखो 4 + 44 + अब देखो सारे के ऊपर अंडर रूट है, मैंने इस सारे को सोल्व किया 10,000 का, जब अंडर रूट निकाल लूंगा तो कितना आएगा 100। समझते हैं, 4 जीरो हैं तो जब इसको हटाएंगे तो कितनी रह जाएंगी, 2, आधी हो गई तो 2 रह गई। तब 100 + 44 कितना हो गया, 144। 100 + 44 144। अगले स्टेप में मैंने लिखा 4 + 144 का किया बच्चों, कितना आ गया 12, 12 + 4 कितना आ गया 16, 16 का वर्गमूल करोगे कितना आएगा 4, करिए नोट। अब इसमें आपको प्लस दे माइनस दे कोई मैटर नहीं करता, यहां पर जो भी वैल्यू देगा ना पहले वाली उसका अंडर रूट होगा, अंडर रूट होके जब वो अगले वाली से प्लस होगी या माइनस होगी तो आपकी वो टर्म बनेगी अंडर रूट में, सोल्व आउट जरूर होगा वो, तभी देगा अदरवाइज नहीं देगा। नेक्स्ट लिखिए, देखो आपको सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं पर इसको सोल्व कर सकते हो। 49 का करा कितना आया,
सात आया, सात यहां से बचेगा, सात और 29 36, 36 का करोगे 6, 6 जुड़ेगा 19 में, 19 और 6 25, 25 का करोगे 5, 5 जुड़ेगा 11 में, 11 और 5 16, 16 का करोगे 4, 4 जुड़ेगा 5 में, 4 और 5 9, 9 का करोगे 3। तो आंसर आ गया बच्चों। देखो रूट 49 था, 49 का रूट कितना आया मेरे पास, 7। ठीक है, उनतीस और 7 36, 36 का क्या बन गया 6 हो गया, 19 और 6 25, 25 का बन गया 5। अगले स्टेप में लिख देता हूं, 5 प्लस में 11 प्लस में 5 बन गया, 11 और 5 16, 16 का करेंगे 4, तो 5 प्लस 4 9, 9 का अंडर रूट किया कितना आ गया 3 आंसर। क्लियर है? ये तो थी, देखिए प्लस माइनस, ठीक है। अब कई बार गुणा वाला भी आ जाता है, करें एक क्वेश्चन लिखिए। सेवेंटी फोर प्लस में 700 गुणा में 42 प्लस 42 प्लस इंफिनिटी, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। ये देखिए, यहां से आपको कुछ याद आ रहा है अभी हमने किया था? अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही दे देता, 42 प्लस 42 प्लस इंफिनिटी, तो आंसर कितना आता, 7 आता, 7 छिक 42 होता है, तो कितना आंसर आता 7 सारे का। तो हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया, 74 प्लस में 700 गुणा में इस सारे के ऊपर अंडर रूट हमने लिख दिया, लेकिन इस सारे को जब मैंने सोल्व किया कितना आ रहा है 700 गुणा में 7 49, अगर मैं इसको सोल्व करूं 49 का जब मैं अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा वापस 70 ही आएगा, 70 आएगा। तो मैंने क्या किया यहां पर 74 प्लस में इस सारे को जब सोल्व किया तो मेरे पास आएगा 70, इस सबको सोल्व करूंगा तो बनेगा 144 और सबको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा 12।